वेलकम टू माई चैनल 18 टेक्नोलॉजी। हेलो दोस्तों, क्या आप भी इसी तरह कार्टून एआई वीडियो बनाना चाहते हो तो वीडियो आखिर तक देखना। दोस्तों क्या आप भी ऐसा ही एआई वीडियो कार्टून वाला बनाना चाहते हो? क्योंकि यार आने वाला टाइम सब एआई का कार्टून एनिमेशन का होने वाला, आपको पता है। तो आप अभी से इसमें घुस जाओ और आगे बहुत ही कॉम्पिटिशन आने वाला है। तो यार बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। और ये वीडियो मैंने जो आपको दिखाया सैंपल, ये भाई 1 से 1.5 मिनट में मैंने बना के ख़त्म कर दिया यार। वो कोई कॉपी नहीं है, खुद का कंटेंट है, आराम से आप बना सकते हो। बस वीडियो आपको पूरा देखना है, बहुत इजी स्टेप्स बताऊंगा फ्री में बिल्कुल कैसे बना सकते हो। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर दे। दोस्तों ऐसा वीडियो बनाने के लिए सिर्फ 2 से 3 चीज़ें चाहिए हमें। सबसे पहले जो चाहिए वो भाई हमारा कैरेक्टर कार्टून वाला कैसा होना चाहिए। आप मेल फीमेल कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सब फ्री में मिलेगा आपको। कैसे करना है देखो, गूगल पे आना है एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है लेक्सिका, ठीक है। लेक्सिका स्पेलिंग आप देख लेना एंड यहाँ फर्स्ट वाली लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। ऐसा कुछ खुलेगा इंटरफेस, और आप पीसी में करोगे तो और भी बढ़िया है, बट सभी के पास फ़ोन होता है तो मैं फ़ोन में बता रहा हूँ। फिर यहाँ सर्च एंड इमेज पे आपको लिखना है कार्टून कैरेक्टर, लिख सकते हो या कार्टून भी लिख सकते हो, सिर्फ कैरेक्टर भी लिख सकते हो। एंड यहाँ पे देख सकते हो कितने मतलब AI जनरेटेड कार्टून कैरेक्टर्स खुल गए हैं भाई, काफ़ी हाई क्वालिटी में। आप क्वालिटी समझ सकते हो, देख रहे हो भाई, बहुत ही तगड़ा क्वालिटी है। इनमें से आप कोई सा भी उठा सकते हो, ठीक है। और बैकग्राउंड की कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेल फीमेल कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, मैंने यही वाला यूज़ किया था एंड आप स्क्रॉल करते जाओगे, अनलिमिटेड आपको कैरेक्टर्स मिलेंगे। आपको करना क्या है, जो भी पसंद आता है, जैसे कि यहाँ पर मैं कोई सा भी पसंद कर लेता हूँ भाई, मैंने यही पसंद कर लिया है ये वाला। एंड यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन हल्का सा दिखेगा छोटा सा, इस पर आपको क्लिक करना है और कोई टेंशन नहीं, देखिए 1 क्लिक में डाउनलोड हो जाएगा सिंपली हाई क्वालिटी में, ठीक है। तो कैरेक्टर तो हमें मिल गया है, अब आगे वीडियो कैसे एडिट करना है वो देखते हैं। दोस्तों इमेज तो डाउनलोड कर लिया, बट उसमें यार हमें बैकग्राउंड को हटाना है, क्योंकि बैकग्राउंड हम अपनी मर्जी का रखेंगे। तो उसको करने के लिए यार हमें फ़ोटो डाउनलोड कर ही चुके, फिर से गूगल पे आना है, यहाँ पर लिखना है photor.com, बस इतना लिख देना है। एंड यहाँ पे देखिए इस तरह से खुल जाएगा। अगर सिर्फ आप फोटो लिखोगे तो फर्स्ट वाली लिंक पे क्लिक करना है एंड यहाँ से अपलोड इमेज पे आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ से आपको वही कैरेक्टर जो आपने डाउनलोड करके रखा था उसको ओपन करना है। एंड ये देखिए काफ़ी अच्छे से यार बैकग्राउंड 1 क्लिक में रिमूव हो गया। एंड यहाँ प्लस का आइकन दिखेगा, यहाँ से आप प्लस पे जाओ एंड यहाँ से ऐसे ग्रीन सेलेक्ट कर दो, और ये भाई हमारा ग्रीन स्क्रीन बन चुका है। अब इसको क्रोमा की लगा के हम लोग इसको एडिट करेंगे और अभी इस कैरेक्टर को बुलवाएंगे। तो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर का, इस पर आपको क्लिक करना है HD इमेज पर। यहाँ पे प्रीव्यू पर HD इमेज, दो आपको ऑप्शन मिलेंगे, प्रीव्यू पर करके आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। HD के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, आप चाहो तो साइन अप कर सकते हो, उसके बाद डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना है और ये ग्रीन स्क्रीन में डाउनलोड हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ बचा है हमें कंटेंट इससे बुलवाना कैसे है, इस क्रिएटर से, ठीक है, अवतार से। तो चलिए उसकी एडिटिंग बताता हूँ। दोस्तों सब कुछ हो गया, सिर्फ और सिर्फ हमें बुलवाना है। और यहाँ पर आपको आना है गूगल पर, फिर से आपको लिखना है DID AI, बस इतना लिखना है। ये भाई AI एडिटर है। यहाँ पे आपको स्पीकिंग पोर्ट्रेट का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा, इस पर ही आपको क्लिक कर देना है स्पीकिंग पोर्ट्रेट। एंड यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ ट्राई इट फ्री, ठीक है। ये पेड है, बट आपको मैं एक ट्रिक बताऊँगा, बस वीडियो एंड तक आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखोगे सबसे नीचे यहाँ पे गेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर यहाँ पे आपको लॉगिन साइन अप 2 ऑप्शन मिलेंगे, इस पर ही आपको क्लिक करना है। भाई अभी सोच रहे हो यार ये पेड है, उसकी टेंशन मत लो, आप आखिरी तक देखो बस वीडियो। यहाँ पे साइन इन विद गूगल का ऑप्शन दिखेगा, गूगल पे आपको क्लिक करना है। आपके जितने गूगल अकाउंट खुले होंगे आपके खुल जाएंगे, मेरे बहुत सारे हैं, हो सकता है आपका एक ही हो, तो आप उससे ही लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पे किसी भी गूगल अकाउंट पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए काफ़ी तेज़ी से हो चुका है, ये देखिए डाउनलोड यहाँ पे मतलब अपना लग चुका है प्रोफाइल। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या, अगला काम यहाँ से आपको करना है 3 डॉट पे आना है एंड यहाँ से डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लेना है। बाकी छोटा छोटा दिखेगा यार, और हो सके तो आप लैपटॉप PC पे करोगे, बिल्कुल बड़ा बड़ा आपको क्लियर दिखेगा, बट फ़ोन में करके दिखा रहा हूँ क्योंकि सभी के पास फ़ोन होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्रिएट वीडियो का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है एंड फिर से आपको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। देखिए इस तरह से खुल जाएगा क्रिएट वीडियो के बाद। यहाँ पे देखिए कुछ अवतार ये लोग फ्री में देते हैं, बट हमें यहाँ ऐड पर क्लिक करना है, आपकी गैलरी खुल जाएगी। और यहाँ पे मैं अपना ले आता हूँ ये वाला अवतार एंड थोड़ा सा टाइम लेगा इम्पोर्ट होने में, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखिए आ गया हमारा ये अवतार, अभी देखो ये कैसे बोलेगा। अब यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट पर देखना है, यहाँ पर देखिए टाइप करना है।
अब यहाँ पे आपको जो भी टाइप करना है वो आपको लिख देना है। जैसे मैं लिख देता हूँ हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू, बस इतना ही मैं लिखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे इंग्लिश है, अगर आप चाहो तो हिंदी यहाँ पे आप टाइप करोगे। देखिए हिंदी भी लैंग्वेज है बट मैंने इंग्लिश में लिखा है, तो आप मैं यहाँ पे इंग्लिश कर लेता हूँ। इंग्लिश कौन सी थी यार, US, हाँ यही वाली थी। उसके बाद यहाँ पे एक वोकल का ऑप्शन दिखेगा, ध्यान से देखना, काम बिल्कुल अच्छे से करना है आपको, ठीक है। वॉइस पे आना है, इस पर क्लिक करना है। ये देखिए ये सारी मेल फीमेल हैं, एंड यहाँ नीचे आओगे तो यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे आपको मेल की भी वॉइसेस मिल जाएंगी। यहाँ पे मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, एंड ये देखिए ये सारी मेल वाली हैं, तो यहाँ पे मैं किसी एक पर क्लिक करता हूँ, इस पर करता हूँ, एंड इतना काम हो गया। अब यहाँ पे इतनी ही लाइन है, और यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये कैसे बोलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। तो देखा आपने, काफ़ी सही है यार ये चीज़, और यहाँ से आप पूरी स्क्रिप्ट बुलवा सकते हो, और इससे शॉर्ट्स बनाना चाहो तो आप बहुत अच्छी आप शॉर्ट्स बना सकते हो, उसमें कम स्क्रिप्ट भी लिखनी पड़ेगी। और यहाँ पे देखो जनरेट वीडियो का ऑप्शन ऊपर से आपको दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अभी देखना है कैसे बोलेगा, जनरेट पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे एक आईडी से आप 20 वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। इसमें 20 क्रेडिट देते हैं, हर एक क्रेडिट पर एक वीडियो, तो लंबी स्क्रिप्ट बनाओ, एक क्रेडिट को पूरा अच्छे से यूज़ करो। उसके बाद जब 20 हो जाएं तो उसकी यार ट्रिक यही है कि यहाँ से आप सिंपली यहाँ पे आओ, एंड यहाँ से आप इसको लॉग आउट करो, एंड दूसरा जीमेल लगा दो, दूसरे जीमेल लगाओ, फिर आपको 20 क्रेडिट मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप अनलिमिटेड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है, एंड यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और ये देखिए यहाँ पे हमारा वीडियो हो गया डाउनलोड। इसको मैं यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ हल्का सा। सही है ना, अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा वाटर मार्क आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो हमें ग्रीन स्क्रीन लगा के इसको हटा देंगे। आगे की एडिटिंग देखो करना क्या है, बैकग्राउंड चेंज करके। दोस्तों अपना फाइनल काम हम लोग करेंगे काइन मास्टर में, यहाँ पे आना है एंड प्लस पे आना है, एंड यहाँ से आपको जो भी शॉर्ट्स का रेशियो लेना शॉर्ट्स का ले लो, अगर लॉन्ग वीडियो बनाना है तो भाई अपना वही वाला रेशियो ले लो। उसके बाद यहाँ से आपको उठाना है अपना फ़ोटो, जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला फ़ोटो उठा लेता हूँ, एंड यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ, जैसे मुझे इतना चाहिए। ये फ़ोटो हो गया हमारा, एंड लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है, एंड यहाँ से अभी आपको वही उठा लेना है जो आपने बनाया है ग्रीन स्क्रीन। ये देखो जैसे मैंने इसको बनाया था, एंड यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ कुछ ऐसे, एंड चलो मैं ऐसे ही रख लेता हूँ, बाकी जल्दीबाजी में बता रहा हूँ। एंड यहाँ क्रोमा की पे आना है, एंड इसको कर देना है इनेबल। देखिए बैकग्राउंड हट चुका है काफ़ी सही तरीके से, इसको मैं जूम इन आउट कर लेता हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे मैं प्ले करके दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। इसकी थोड़ी सी यार आवाज़ कम है क्योंकि यार स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है इसलिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ। तो देख रहे हो काफ़ी सही यार, मतलब ऐसी AI वीडियोस काफ़ी ज़्यादा चलने लगी हैं। अभी टाइम आने वाला है AI का, एनिमेशन का आपको पता ही है, तो इस तरह की वीडियोस आप शॉर्ट्स में डालो या इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो आप डालोगे इस तरह से कार्टून में, तो लोग देखना ज़्यादा इंगेजिंग लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ईजिली कर सकते हो, और भाई अनलिमिटेड की ट्रिक मैंने बताई दी है, आप ID चेंज करते रहो जीमेल की, और जीमेल तो अनलिमिटेड आप बना ही सकते हो, वो तो आपको पता ही है। फिर भी एक जीमेल से आप 20 वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, काफ़ी बड़ा नंबर है, मतलब 20 वीडियो तो आप समझ रहे हो, 20 वीडियो में आप अगर 20 वीडियोस अच्छे से डालोगे तो उन्हीं में आपको वायरल हो ही जाएगा। तो इस तरह से यार करो, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।